आतंकियों ने एक बड़ा हमला दोहराया है, ठीक उसी तरह से जैसे 20 अप्रैल 2023 को पुंछ के बीजी में हमला हुआ था, 5 हमारे जवानों ने शहादत दी थी, ठीक उसी तर्ज पर एक और हमला होता है, आतंकी ठीक वैसे ही घात लगाकर बैठते हैं और घात लगाकर वो हमला बोलते हैं। और आज भी हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, इसके साथ साथ कुछ जवान हमारे घायल हुए हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। राजीव आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हथियारों के साथ जवान जो है वो पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं, हालांकि मौसम बहुत सर्द है और सर्दी में ही बेहद चैलेंजिंग हो जाता है इन जवानों के लिए मुस्तैदी से खड़े होना। हालांकि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है हमेशा हर नाके पर अलर्ट मोड पर रहती है, लेकिन इस तरह से पिछले एक साल से राजौरी और पुंछ में ज्यादा तादाद में जो हमले हुए हैं उससे उसके बाद सेना और पुलिस अलर्ट मोड पर रही, लेकिन आज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं। चारों तरफ जो इलाका है वो घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने, लेकिन बेहद मुश्किल हो जाता है रात के समय में सर्च करना, उसके बावजूद भी हथियारों के साथ ये इस सड़क पे खड़े हैं। यहाँ से किसी भी गाड़ी को आने जाने की अनुमति नहीं है फिलहाल, जब हमला हुआ था उसके तुरंत बाद ही यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही जो थी वो बंद कर दी गई थी और स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी थी कि वो घरों से बाहर ना निकले। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हथियारों के साथ ये जवान मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हैं, अलर्ट मोड पे है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। यहाँ से कुछ ही दूर वो जो स्पॉट है जहां पर हमला हुआ था, एक बेहद दर्दनाक हमला हुआ था, यहाँ से आगे जाने की अनुमति फिलहाल हमें नहीं दी जा रही है। आतंकियों ने एक बड़ा हमला दोहराया है, ठीक उसी तरह से जैसे 20 अप्रैल 2023 को पुंछ के बीजी में हमला हुआ था, 5 हमारे जवानों ने शहादत दी थी, ठीक उसी तर्ज पर एक और हमला होता है, आतंकी ठीक वैसे ही घात लगाकर बैठते हैं और घात लगाकर वो हमला बोलते हैं। और आज भी हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, इसके साथ साथ कुछ जवान हमारे घायल हुए हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। राजीव आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हथियारों के साथ जवान जो है वो पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं, हालांकि मौसम बहुत सर्द है और सर्दी में ही बेहद चैलेंजिंग हो जाता है इन जवानों के लिए मुस्तैदी से खड़े होना। हालांकि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है हमेशा हर नाके पर अलर्ट मोड पर रहती है, लेकिन इस तरह से पिछले एक साल से राजौरी और पुंछ में ज्यादा तादाद में जो हमले हुए हैं उससे उसके बाद सेना और पुलिस अलर्ट मोड पर रही, लेकिन आज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं। चारों तरफ जो इलाका है वो घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने, लेकिन बेहद मुश्किल हो जाता है रात के समय में सर्च करना, उसके बावजूद भी हथियारों के साथ ये इस सड़क पे खड़े हैं। यहाँ से किसी भी गाड़ी को आने जाने की अनुमति नहीं है फिलहाल, जब हमला हुआ था उसके तुरंत बाद ही यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही जो थी वो बंद कर दी गई थी और स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी थी कि वो घरों से बाहर ना निकले। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हथियारों के साथ ये जवान मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हैं, अलर्ट मोड पे है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। यहाँ से कुछ ही दूर वो जो स्पॉट है जहाँ पर हमला हुआ था, एक बेहद दर्दनाक हमला हुआ था, यहाँ से आगे जाने की अनुमति फिलहाल हमें नहीं दी जा रही है।